नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रसोई घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है क्योंकि इसमें बहुत सी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे रसोई घर में अन्न और धन के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा जी का वास रहता है। साथ ही पानी के देवता अरुण देव, अग्नि देव और वायु देव भी होते हैं, इसीलिए हमारा घर मंदिर के समान होता है। दोस्तों, हमारे घर के रसोई घर में खाने की कुछ ऐसी वस्तुएं मौजूद होती है जिससे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। यह वस्तु हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही इन वस्तुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वस्तुएं वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह वस्तुएं हमारे रसोई घर में हमेशा रहनी ही चाहिए और कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इन्हें ज्यादा मात्रा में आप अपने घर में ला करके रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी खत्म न होने दें, क्योंकि यह सभी वस्तुएं नकारात्मकता को हमेशा दूर रखती है। इसीलिए अगर यह अचानक से समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट या परेशानी उत्पन्न हो सकता है। हमारे घर के रसोई घर में अन्य कमरों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक या फिर दोनों ही तरह की होती है, जिनमें हमें संतुलन लाने की आवश्यकता होती है। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती जिस घर में यह महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा उस घर में वास करती है जहां पर यह चीजें हमेशा मौजूद होती है, और आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं खास वस्तुओं के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि वह वस्तुएं हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। इसके अलावा हम खाने की कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में भी जानेंगे जिन्हें हमारे रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमारे घर में नकारात्मकता आती है। तो आइए सबसे पहले हम शुभ वस्तुओं के बारे में जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में लिखित जानकारियां मिलती रहे। सबसे पहली चीज है हल्दी। दोस्तों, हर घर में हल्दी हमेशा होनी चाहिए। हल्दी को शुभ और सबसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग पूजा पाठ में निश्चित रूप से किया जाता है। घर में अगर हल्दी का पौधा हो तो घर में और भी पवित्रता आती है। हल्दी दैवीय शक्ति से युक्त होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है, इसीलिए हल्दी में सकारात्मक ऊर्जा भारी होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का बहुत महत्व बताया गया है। हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति से होता है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो उसे हल्दी का उपाय करने के लिए कहा जाता है। विवाह संस्कार में भी हल्दी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह गुणकारी और पवित्र हल्दी हमारे रसोई घर में हमेशा रहना चाहिए। दूसरी चीज है चावल। चावल का उपयोग खाने के साथ साथ पूजा पाठ में भी विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में अखंड चावल यानी बिना टूटा हुआ चावल रखने से शुभ माना जाता है, जिसे अक्षत कहते हैं। पूजा में अक्षत चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भी पूजा सामग्री में अक्षत का होना बहुत जरूरी होता है। किसी शुभ कार्य में तिलक के ऊपर अक्षत जरूर लगाया जाता है, इसीलिए हमारे घर में भगवान को प्रिय अक्षत यानी चावल का होना भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है नमक। मित्रों, नमक के बिना खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमक हमारे खाने में स्वाद लाने के साथ साथ हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। नमक उन 8 दिव्य पदार्थों में से एक है जो विष्णु लोक से पृथ्वी लोक पर आए हैं। इसी कारण से नमक में बुरी शक्तियों को शोषित करने की शक्तियाँ होती है। वातावरण में फैली नकारात्मकता को नमक अपने अंदर खींच लेता है। यह बात हमारे पूर्वजों को सैकड़ों साल पहले से ही पता थी, इसीलिए वह हमेशा अपने घर में खड़ा समुद्री नमक जरूर रखते थे और पानी में नमक मिलाकर घर के हर हिस्से में पोछा लगाते थे ताकि घर से सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो सके। अगर घर में किसी व्यक्ति को बुरी नजर लगी है तो नमक के द्वारा उसे उतारा जा सकता है।
इसीलिए हमारे घर में नमक का होना भी अत्यंत आवश्यक है। चौथी चीज है काली मिर्च, काली राई और लौंग। मित्रों, यह तीनों चीजें भी हमारे घर को बुरी नजर से और बुरी शक्तियों से बचाती है। औषधि गुणों से भरपूर यह तीनों वस्तुएं घर के नकारात्मकता को भी घर से बाहर निकाल देती है। इन वस्तुओं से राहु और केतु के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसीलिए हमारे घर के रसोई घर में काली मिर्च, काली राई और लौंग का होना भी बहुत जरूरी है। तो मित्रों, यह थी वो चीज जिनका हमारे घर के रसोई घर में रखे होने से हमारे घर को अशुभ शक्तियों से दूर रखा जा सकता है। अब हम खाने की उन वस्तुओं के बारे में बात करते हैं जिन्हें हमें अपने रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चीजें बुरी चीजों को आकर्षित करती है और उनकी रसोई घर में होने से वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो वह वस्तुएं हैं सड़ा हुआ और बासी खाना, बहुत समय से गोंद कर रखा हुआ आटा, खराब हो चुका धनिया और मसाले, सड़ी गली सब्जियां, औषधि और किसी जीव जंतु को मारने वाली दवाई रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि घर के रसोई घर में कौन सी चीज खत्म नहीं होनी चाहिए और किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।